Hello students, today we start the next point, that is the contribution of Birbal Sahani in paleobotany. In your unit first, there is the paleobotany. In the scientist Birbal Sahani, they contributed much more in paleobotany in our India. So in your syllabus included the point contribution of Birbal Sahani. First, this is the informative. Yes, the Dr. Birbal Sahani was born on 14 November 1891. The birthplace is Bora, the Shahpur district in West Punjab. Now it is included in the Pakistan. His early education in India at Government College, University of Lahore and Punjab University. Then he learned botany under the Sri Ram Kashyap, is the father of Indian bryology. जो उनका जो botany का bachelor study they completed under the Sri Ram Kashyap, जो फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, जो उन्होंने जो ब्रायोफाइट्स का बहुत सारा स्टडी किया है, उनके अंदर ही उनका जो बेसिक बॉटनी लर्निंग है वो कंप्लीट हुआ था. देन ग्रेजुएशन, ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम इमैनुअल कॉलेज एंड कैम्ब्रिज इन 1940. देन दी डॉक्टरेट इन साइंस ही got from the University of Cambridge in 1990. This is about your education. Then in career, after completion of Doctorate of Science, he returned to India in 1990. Then he serviced as a professor of botany at the Banaras Hindu University. Then in Lucknow he became the professor and head of the botany in 1921. He did the research work in paleobotany. Then he established as authority of scientist in paleobotany. His research is recognized by leading scientific journals. The scientist Birbal Sahani, after completion of his education, he returned in India. तो इंडिया के उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एज अ प्रोफेसर ज्वाइन हुए. उसके बाद उन्होंने प्रोफेसर और हेड हुए 1921 में. उनका जो रिसर्च है वो रिसर्च पूरा पैलियोबॉटनी के ऊपर रहा. फिर एज अ अथॉरिटी, जो आइडेंटिफिकेशन का काम किया जाता है वो उनकी तरफ से, एज अ अथॉरिटी साइंटिस्ट उनको बोला, उनको चुना गया था. उसके बाद जो साइंटिफिक जर्नल्स रहते हैं जिसमें जो भी रिसर्च है वो रिसर्च पब्लिश किया जाता है, तो जो लीडिंग साइंटिफिक जर्नल से, जो वर्ल्ड में जो भी लीडिंग साइंटिफिक जर्नल से, उनमें जो भी हमारा रिसर्च काम, रिसर्च वर्क रहता है, रिसर्च वर्क वहाँ पे पब्लिश किया जाता है. तो जो भी इनका बिरबल सहनी का जो भी वर्क था वो जो रेपुटेड जर्नल है, रेपुटेड जर्नल में उनका वर्क पब्लिश हुआ. देन थर्ड इज द अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन. जो डॉक्टरेट ऑफ साइंस डिग्री उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से ली. इज रिसर्च, उनका रिसर्च पैलोबॉटनी में था. तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है उन्होंने, वहाँ से उन्होंने डिग्री ऑफ साइंस, वहाँ से उनको अवार्डेड हुई. उसके बाद जो उन्होंने एक न्यू प्लांट डिस्कवर किया, दैट इज द बेनेटियन प्लांट. ही इज रिसीव्ड
स्पेशल मेंशन उन्होंने जो काम है वो काम में जर्नल में पब्लिश किया, दैट इज द पैलेंटोलॉजिकल जर्नल इन 1932। उस जर्नल में वो काम उन्होंने जो एक पहले भर्ती का रिपोर्टेड जर्नल है उसमें उन्होंने वो काम पब्लिश किया। तो जो बर्नेटेनियम प्लांट्स है उसे ही विलियमसोनिया स्पेसिस बोलते हैं, दैट इज द फॉसिल्स जो उन्होंने पहले डिस्कवर किया है। उसके बाद उन्होंने डिस्कवर की है होमोजोलन जो अगेन एक फॉसिल प्लांट है। साहनी डिस्कवर न्यू टाइप ऑफ पेट्रीफाइड वुड, इट बियर्स रिजेंबल्स टू द वुड ऑफ एंजियोस्पर्म। हाउएवर द होमोजोलन बिलोंग्स टू जुरासिक एरा। जो जुरासिक एरा है, जो टाइम स्केल में अपने स्टडी किया था, जो जुरासिक एरा है, जुरासिक एरा का उन्होंने जो होमोजोलन एक फॉसिल उन्होंने डिस्कवर किया है, जो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसी तरह जो होमोजोलन है वो दिखता है। आपके सिलेबस में आपने पेंटाजोलन स्टडी किया है, इट इज द सेम स्पेसिस फ्रॉम दिस ग्रुप्स। जो होमोजोलन का वुड है वो सेम एंजियोस्पर्मिक वुड की तरह दिखता है। वो जो उसका नोटिफिकेशन है वो फर्स्ट जो सहानी है उन्होंने फर्स्ट उसे डिस्कवर किया और नोटिफाई किया। देन दिस सहानी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन लिविंग प्लांट्स। उन्होंने फॉसिल प्लांट का स्टडी किया ही है, उसके साथ साथ में उन्होंने जो भी लिविंग प्लांट्स है लिविंग प्लांट का भी उन्होंने स्टडी किया है। उसमें कुछ टेरोफाइटिक प्लांट्स है, दैट इज नेक्रोलेपिस, निपोबोलस, टैक्सस, साइलोटम, मिसेप्टेरिस, दीज आर सम टेरिडोफाइट्स उन्होंने फर्स्टली रिकॉर्डेड की है और स्टडी की है। देन इवोल्यूशनरी ट्रेंड, जो कि टेरिडोफाइटिक प्लांट्स में आपने स्टडी किया होगा कि सोरस में इवोल्यूशन कैसे हुआ, जो एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में कैसे इवोल्यूशन होते गया। तो इवोल्यूशन ट्रेंड्स ऑफ टेरिडोफाइट्स बिरबल सहानी जी ने फर्स्ट स्टडी किया है। देन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी रिलेटेड टू द पैलिनोलॉजिकल स्टडी उन्होंने जो भी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और जियोग्राफिकल वेरिएशन उन्होंने स्टडी किया है। साथ में एज अ ट्रेड लिंक दे कंक्लूडेड दैट देयर मस्ट बी ट्रेड लिंक बिटवीन हरप्पा पीपल विथ माउंटेन पीपल। द कंक्लूजन ड्रॉन ऑन बेसिस ऑफ फॉसिल्स ऑफ कॉनिफर्स फाउंड इन द हरप्पा पीपल। जो अंडर द डिफरेंट स्टडी दे फाउंड दैट द इन हरप्पा पीपल जो फॉसिल्स उन्होंने वहाँ पर उन्होंने कुछ कॉनिफर फॉसिल्स उन्होंने डिस्कवर किए। तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया है कि जो माउंटेन के जो माउंटेन में पीपल रहते थे उनका और जो नीचे इधर मतलब जो हिमालयन पीपल है हिमालयन पीपल का और इधर जो एमपी यूपी में जो पीपल रहते उनका कुछ कनेक्शन था उस टाइम पे, जो क्योंकि उनको जो कॉनिफर्स प्लांट्स है जो कॉनिफर प्लांट्स है मोस्टली कहाँ पर मिलते हैं, जो माउंटेन रीजन है माउंटेन रीजन के यहाँ पे कॉनिफर प्लांट्स मिलते। लेकिन जो कॉनिफर प्लांट के फॉसिल्स है उन फॉसिल्स उन्हें यहाँ पे एमपी और यूपी में मिले। जो हरप्पा पीपल वहाँ पे रहते थे उनके वहाँ पे उनको कॉनिफर्स के कुछ फॉसिल्स मिले थे। तो उन्होंने कंक्लूड किया है कि उस टाइम पे भी जो माउंटेन के पीपल थे और जो हरप्पा कल्चर के जो पीपल थे उनके बीच में कुछ ट्रेड लिंक था, कुछ कनेक्शन था, जो ट्रेडिशनल लिंक था। इसलिए उन्होंने कंक्लूड किया था कि उस टाइम पे भी लोगों का कनेक्शन था, क्योंकि कॉनिफर्स प्लांट्स तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो माउंटेन रीजन नहीं है, माउंटेन रीजन तो हिमालयन में है। तो उस हिसाब से उन्होंने कंक्लूड किया कि उस टाइम पे भी कुछ हरप्पा पीपल का पीपल और माउंटेन पीपल उनके बीच में कुछ ट्रेड लिंक था।
Then he also discovered the foreign pollen in the living Gingko biloba. The Gingko biloba, it is the living fossils. इसे हम the living fossils भी बोलते हैं. तो जो उन्होंने Gingko biloba का भी स्टडी किया है, उसमें उन्होंने कुछ फॉरेन पोलन्स हैं वो उस प्लांट्स के अंदर उन्होंने स्टडी किए हैं. देन नेक्स्ट उन्होंने स्टडी किया है ऑर्डर टैक्सेल के ऊपर. ही फर्स्ट सजेस्ट टू सेपरेट द ऑर्डर टैक्सेल्स इनटू द कोनिफर्स जनेरा टैक्सा. The साइंटिस्ट सहानी, उन्होंने पहले सजेस्ट किया कि जो कोनीफर्स है, कोनीफर जो प्लांट्स है उनके ग्रुप में से कुछ टैक्सेल, जो टैक्सेल ऑर्डर है वो सेपरेट किए थे, ताकि कोनीफर्स में जो टैक्सेल ऑर्डर में जो भी प्लांट्स आते हैं वो सेपरेट हो जाए, सेपरेटली वो डिस्क्राइब हो जाए और सेपरेटली वो मेंशन हो जाए. तो इसलिए उन्होंने पहले सजेस्ट किया कि जो टेक्सल्स प्लांट्स है वो कोनीफर से सेपरेट किया जाए. देन नेक्स्ट देयर द ज़िगोटेरिडेसी, ही आल्सो स्टडीड फर्स्ट टाइम द मॉर्फोलॉजी ऑफ जीनस बिलोंग टू ज़िगोटेरिडेसी. जो ज़िगोटेरिडेसी जो फैमिली है उसकी जो मॉर्फोलॉजी है उन्होंने साइंटिस्ट बीरबल सहानी जी ने फर्स्ट स्टडी किया है. देन आल्सो फर्स्ट टाइम स्टडी और डिस्क्राइब द ग्लॉसियोप्टेरिस, जो अगेन एक टेरिडोफाइटिक प्लांट्स है वो उन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया है. Also, the Birbal Sahani established a research institute in Paleobotany at Lucknow. इन्होंने एक लखनऊ में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ओपन किया है. एक रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में ओपन किया है जो बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है. स्टैंडर्ड ऑथोराइज एंड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज रिसर्च इंस्टीट्यूट है. इसमें बहुत सारे जो पैलियोबॉटनी से जो भी रिलेटेड स्टडी मटेरियल है वो हमें वहाँ पे मिलेगा. जो भी फॉसिल्स है, फॉसिल का एक अच्छा सा म्यूजियम वहाँ पे है. तो इट इज बहुत ही अच्छा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है. तो बीरबल सहानी जी को एक फादर ऑफ डेंड्रोलॉजी भी कहा जाता है. इनका बहुत सा स्टडी रिलेटेड टू वुडन प्लांट्स और प्लांट्स से रिलेटेड है. तो इनको फादर ऑफ डेंड्रोलॉजी भी बोला जाता है. तो दिस इज द शॉर्टली अबाउट द बीरबल साइंटिस्ट बीरबल सहानी. इन नेक्स्ट वीडियो वी सी अबाउट द रिसर्च इंस्टीट्यूट इन पैलियोबॉटनी एट लखनऊ, जो कि उन्होंने एस्टेब्लिश किया है. उसके बारे में हम पूरा जानकारी लेंगे. इट इज़ द रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ. सो दिस साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत ही पैलियोबॉटनी का बहुत सारा इंडिया में उन्होंने स्टडी किया है. साथ साथ में उन्होंने जो सम लिविंग प्लांट्स है, लिविंग प्लांट्स का भी उन्होंने स्टडी किया. सो दिस इज ऑल अबाउट द साइंटिस्ट बीरबल सहानी.